नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। केंद्रीय विद्यालय दाखिला से संबंधित रोजाना हजारों की संख्या में सवाल मुझसे पूछे जाते हैं और इन सवालों का जवाब लिख कर दे पाना मेरे लिए संभव नहीं होता, इसीलिए आपके सभी सवालों को मैं पढ़ती हूँ और आपके सवालों के जवाब पर वीडियो मैं लेकर आती हूँ। तो अगर आपको आपके सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, इसका मतलब यह नहीं है कि आपका सवाल पढ़ा नहीं जा रहा है, इसका मतलब यह है कि आपके सवाल के जवाब पर आधारित वीडियो बनाई जा रही है। तो एक ऐसा सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है वह यह है कि क्या इस साल HRM कोटा की लिस्ट निकलेगी। तो इस सवाल के जवाब में मैं आपको कहना चाहूँगी कि इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैंने खुद कुछ ऐसे लोगों से बात करी जो केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत हैं, अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ाते हैं या फिर किसी तरीके से केंद्रीय विद्यालय से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि निसंदेह इस साल HRM कोटा की लिस्ट निकलेगी। जी हाँ, निसंदेह इस साल HRM कोटा की लिस्ट निकलेगी, बिल्कुल HRM कोटा की लिस्ट निकलेगी। कोई भी ऐसा आदेश केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जारी नहीं किया गया जिसमें यह कहा गया हो कि इस साल HRM कोटा की लिस्ट हम नहीं निकालेंगे, यह कैंसल हो गई है। MP कोटा की लिस्ट भी निकली है, निकल रही है, और HRM कोटा की लिस्ट भी निकलेगी। इसलिए वह सभी लोग जो HRM कोटा की लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, मैं आप सभी को कहूँगी कि आप निराश मत होइए, थोड़ा सा इंतज़ार करिए, क्योंकि कभी भी केंद्रीय विद्यालय संगठन HRM कोटा की लिस्ट कब निकलेगी इसकी तिथि की जानकारी पहले से नहीं देता। किसी भी दिन आप नोट करेंगे, आप देखेंगे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर HRM कोटा की लिस्ट जारी कर दी गई है। और यह बात मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि डेट्स केवल ऑनलाइन फॉर्म की निकलती हैं, ऑफलाइन फॉर्म की निकलती हैं, लेकिन MP कोटा या फिर HRM कोटा लिस्ट की तारीखें कभी भी केंद्रीय विद्यालय संगठन पहले से जारी नहीं करता है। तो उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से कि HRM कोटा की लिस्ट इस साल ज़रूर निकलेगी। आपके जो भी कहीं ना कहीं मन में डाउट्स थी, शंकाएं थी, वह दूर हो गई होंगी। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।